बुरहानपुर जिले में रेत का ठेका हो चुका है, बावजूद इसके आज तक घाट प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, जिससे रेत कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है। अब ट्रैक्टर संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रेत के घाट चालू करने की मांग की है। घाट बंद होने से जिले के करीब 20,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इन परिवारों के लिए अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जिससे त्रस्त होकर न्यू ताप्ती ट्रैक्टर संचालक एसोसिएशन के सदस्यों ने SDM दीपक चौहान को ज्ञापन सौंपकर रेत के घाट चालू करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में SDM ने कहा कि खनिज विभाग के अधिकारी से चर्चा कर घाट चालू करवाया जाएगा। में इसके पहले सिर्फ रामदेव रोबड़ कंपनी का ठेका था, उसके खत्म होने के बाद से शहर बेरोजगारी की तरफ मुलक जो हो गया, और कई महीनों से हम सब ट्रैक्टर वाले जो घर बैठे थे, हमने इसके पहले भी कई बार ज्ञापन दिए, तो हमको पिछले नवंबर में बताया गया कि कलेक्टर महोदय के द्वारा कि इस बार हमने 45 इंच को ठेका दिया है 23 नवंबर को, और जल्द से जल्द घाट चालू होंगे। उसके भीतर फिर हम एक और बार आए तो उस पर भी हमको यही आश्वासन दिया गया कि और कुछ 2-4 दिन का समय है, उसमें आपके घाट चालू, लेकिन अभी तक के उसका कोई निर्णय निकला नहीं। और ये जो हमारी परेशानी है ये बढ़ते जा रही है, जो बेरोजगारी है वो बढ़ते जा रही है, शहर के हालात बेकाबू हो रहे हैं।